ये अभी अभी एक थाना परिचितगढ़ क्षेत्र में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि दो लड़के संदिग्ध किस्म के हैं और बिना नंबर के मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। किसी को लूट का अटेम्प्ट इन्होंने किया, उसी ने ही 100 नंबर पे सूचना दी। फिर पुलिस ने घेराबंदी की तो जो सठला और पूठी नहर के पास इनकी मुठभेड़ हुई है, इसमें से एक बदमाश को गोली लगी है। जो घायल हुआ है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश का नाम योगेश निवासी अगवानपुर है। ये इसके बारे में जब पता किया गया तो पता लगा ये एक सातिर किस्म का अपराधी है, जिसमें जिस पर करीब 2 दर्जन से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं। और कुछ दिन पहले अभी इसने मवाना क्षेत्र में एक व्यापारी को लूटा था, जिसने मोटरसाइकिल, मोबाइल और 8,000 रुपये लूट लिया था इसने। इसके पास से जो आज मुठभेड़ में मोटरसाइकिल मिली है, वो मोटरसाइकिल वही वाली है जो 13 नवंबर को इसने भी लूट की थी। इसके पास वही मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। और इसका एक दूसरा साथी था, उसकी काफी तलाश की गई, नहीं मिला। उसका नाम पता मालूम हो गया है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कितना इनाम था इस पर? इसमें जब मवाना क्षेत्र की लूट में इसका नाम आया था, तभी से इसकी गिरफ्तारी पे 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। और आज ये परिचितगढ़ पुलिस को एक मुठभेड़ में सफलता मिली।